बिहार जो कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक राज्य है। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से ये 12वें स्थान पर आता है। इस राज्य में कुल 30 मेजर सिटीज हैं, जिनमें से आज हम 5 ऐसी सिटीज के बारे में जानेंगे जो विकास की राह पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो नंबर 5 पर है मुजफ्फरपुर शहर, जो कि मुजफ्फरपुर जिला की दिरहुट रीजन में आता है। यहाँ की लिटरेसी रेट 85.16% की है। यहाँ के शाही लीचे और आम पूरे देश में अपनी खास क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तथा सालाना यहाँ से करीब 3,00,000 टन लीची देश और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इन यहाँ की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा भी इसी पर टिका हुआ है। मुजफ्फरपुर शहर की पॉपुलेशन 5,16,000 लोगों की है। नंबर 4 भागलपुर, ये गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भागलपुर सिटी पूर्वी बिहार का एक मेजर एजुकेशनल, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल सेंटर है, जिसे इंडिया की स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भी सिलेक्ट किया गया है। अगर भागलपुर की जनसंख्या की बात करें तो 2021 में यहाँ की कुल आबादी 4,87,000 लोगों की है और यहाँ की लिटरेसी रेट 63.14% है। नंबर 3 गया सिटी, जो कि गया और मगध डिवीजन का प्रशासनिक मुख्यालय है। ये शहर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ पर हिंदू, जैन और बौद्ध रिलीजन से जुड़े कई धार्मिक स्थल मौजूद है। इसके अलावा ये हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन केंद्र में से एक माना जाता है, जिस कारण ये शहर सड़क, रेलवे और हवाई मार्ग द्वारा देश के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। वहीं यहाँ की कुल आबादी 2021 में 5,75,652 लोगों की है, जहाँ की लिटरेसी रेट 66.35% है। नंबर 2 बेगूसराय, ये शहर बेगूसराय जिला का प्रशासनिक मुख्यालय है, जो भारतीय राज्य बिहार के 38 जिला में से एक है। पिछले कुछ सालों में बेगूसराय पटना के बाद बिहार में सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम वाले जिला के रूप में तेजी से उभरा है। वहीं ये शहर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या 2021 में 4,95,000 लोगों की है, बट यहाँ की लिटरेसी रेट सिर्फ 59.13% की है, जो कि नेशनल एवरेज से भी काफी कम माना जाता है। नंबर 1 पटना सिटी, ये शहर बिहार की राजधानी है, जो कि 24 लाख से भी अधिक आबादी के साथ ये पूर्वी भारत का कोलकाता के बाद सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की अनुमानित GDP 27 बिलियन डॉलर्स की है, जो कि 7.9% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी पटना बिहार का सबसे आधुनिक शहर है। इन आने वाले कुछ सालों में मेट्रो की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। पटना लंबे समय से कृषि केंद्र और व्यापार का केंद्र रहा है, लेकिन आज के दौर में पटना ITBS इकोनॉमी के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। भारतीय कंपनी TCS द्वारा इस शहर में कई बिजनेस पार्क पेश किए गए हैं, जो कि आने वाले टाइम में पटना में रोजगार की संभावना को तेजी से बढ़ाएंगे।